हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के जो है 5:30 बज चुके हैं और मुझे जाना है आज सूरत। अकेले नहीं जा रहा, कुछ फ्रेंड है साथ में। तो अभी 5:30 बज चुके हैं तो मुझे 6:30 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 7:30 बजे की गाड़ी है वहाँ से। तो रेडी हो जाते फटाफट से। मैं रेडी हो चुका और अभी निकलते हैं। मम्मी यहाँ पे है, सोया हुआ है। मम्मी यहाँ पे है, उठ गए 6 बजे। बाहर जब है पूरी रात, अभी तक रात ही दिन तो निकला ही नहीं भाई अभी तक। अपन निकल चुके हैं, मैं आ चुका गेट पे। यहाँ से ऑटो पकड़ लेते पहले, तो ऑटो मिलना चाहिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। अभी भाई हम पहुँच गए वलसाड के आगे, बस कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं सूरत। तो मैं आपको बताएंगे सूरत हम क्यों जा रहे हैं। मीटिंग है HUL की, HUL टीम की मीटिंग है। आ चुको भाई यहाँ पे सूरत में। अभी सूरत स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे पूरा पार्किंग है, यहाँ पे ये एरिया पूरा। यहाँ से रोहित झुनझुनके का जो घर है पास में ही है, पार्किंग एरिया है यहाँ का। तो जाना है ग्लोरियस होटल के पास। हम आ चुके यहाँ पे सूरत में प्राइम होटल पे, अभी जा ही रहे हैं। 2-3 जन है तो थोड़ा आगे चल के जाना पड़ेगा। तो ये रहा भाई, ये वाला होटल है। यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। चलो भाई, तो पहुँच गए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत सारे सर भी आए हैं। चलिए जाते हैं। जिस होटल में हम रुके हैं, होटल और पार्क देख लीजिए, भारी है ना अंदर से एकदम। जो सीनियर थे उन्होंने भाई जबरदस्ती वॉशरूम भेजे, उन्होंने हम लोग को कुछ काम, मतलब कुछ प्लानिंग भी वो लोग किया। अलग जो है आधी मीटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, अभी बचा है बस अपना लंच। बचा है लंच जो है आधी मीटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, अभी बचा है बस अपना लंच। बचा है लंच। लाइट पर भारी देख रहा है ऊपर वाला। मीटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है और अंदर जो बहुत आवाज चला था, इसलिए मैं दूसरे रूम में आया। बस थोड़ी देर में भी निकलने वाले हैं। तो बहुत भारी दिखता है भाई। चलो भाई अभी हम जा रहे वापस सागर स्टेशन पे। धूप जो है बहुत हो रही है, यहाँ पे भीड़ भी भाई, मतलब बहुत हो रही है भाई। हम आ चुके हैं भाई वापस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से हम टिकट निकालने लगे, बहुत भीड़ है वैसे तो। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में टिकट निकल जाएगी तो हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। सोचा था रोहित भाई से, लेकिन भाई आपका अभी तो टाइम हो गया, अब तो उसकी बिल्डिंग के नीचे जा भी सकते और मिलने के लिए भाई क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए कैंसिल अगले बार।
आ गया भाई वापिस बहुत देर से भाई, प्यास भी लगी थी तो यहाँ से ऑटो पकड़ते अभी। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले, पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ से बहुत ट्रैफिक था जिससे मुझे ये गली में से आना पड़ा, तो बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे घर पे, भी पैदल जाना पड़ेगा। ओहो यहाँ से तो पूरा टाला लगा है। आ चुका हूँ अभी घर पे, 6 बजे यहाँ पे बैठी है सुबह पे। भाई मम्मी चाय बना, लेकिन चाय तो मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि मैंने गन्ने का जूस पहले पी लिया है मैंने, और ये पी रहा है चाय और बिस्किट खा रहा है साथ में, मैं तो अभी नहीं खाऊंगा गन्ने का जूस भाई, थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। तो मोबाइल देख रहा है तो मुझे अभी बना रही है अभी डिनर का, जो मैं बहुत थक चुका हूँ आज। तो यहाँ से जब गया ट्रेन में कुछ जगह मिली थी बैठने के लिए, लेकिन वहाँ से जब आ रहा था तो मुझे कुछ जगह नहीं मिली बैठने के लिए। तो भाई आया तो सूरत से वापिस तो खड़ा ही आया वो पेड़ दुखा। और ब्लॉग ये पेंट करते हैं, आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।